हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड का अगर आप बिल पे नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, तो ये वीडियो पूरा आखिर तक देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का बिल किसी भी कारण से पे नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या आपको सावधानी बरतनी होगी ताकि जो आपका पैसा है वो बच सके। और अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का बिल बहुत लंबे समय तक पे नहीं करते हैं या बिल्कुल भी पे नहीं करते, तब क्या होगा, तो वीडियो को करेंगे शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करते ही साइनअप पर आपको 250 रुपये का बोनस दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसे कि जानते हैं, पेटीएम पोस्टपेड का आपको लिमिट दिया जाता है आपके जो क्रेडिट स्कोर है उसके आधार पर, और उससे आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बिल पेमेंट करके उसका जो ड्यू डेट है उसमें अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका धीरे धीरे करके चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और चार्जेस जो है वो काफ़ी हैवी चार्जेस वहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाता है। और आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो आपका बिल जो है वो तुरंत में ही अगर 2000 था तो वो आपको 2 महीने बाद 4000 या 5000 भी दिखाई दे सकता है। इतना ज़्यादा चार्जेस आपको लग सकते हैं, और खास करके आपको कॉल्स आएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड एप्लीकेशन क्या करती है, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करेंगी और मैसेजेस करेंगी। कॉल और मैसेज करके बिल्कुल आपको तंग किया जाएगा। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा बिल्कुल ही, जो कि सबसे मेन बात ये है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते किसी भी कारण से, तो अगर आपके पेटीएम बैंक में या पेटीएम वॉलेट में कोई भी पेमेंट करता है, तो वो पेमेंट ऑटो डिडक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो पेमेंट जो है वो आपका ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, यानी आप नहीं चाह के भी वो पैसा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे और वो पैसा कट जाएगा और वो पेटीएम पोस्टपेड के बिल का थोड़ा सा हिस्सा बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने जितने भी दोस्त हैं और बाकी फ्रेंड्स हैं, उन सबको कह दीजिएगा कि पेटीएम पे 1 रुपये भी सेंड नहीं करने के लिए। अगर वो सेंड करते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा जो वो पेटीएम वाला अपने पास ही रख लेगा। इस बात का खास ख्याल रखना होगा। इसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जैसे कि जानते हैं कि सबका यही यह है कि हैक हो जाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक होने के चलते आपके कॉन्टैक्ट पर भी कॉल्स जा सकते हैं कि इस आदमी ने पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो इस आदमी से मेरे से पेमेंट दिला दीजिए। और इसके बाद जो सबसे मेन बात है और सबसे जो अच्छी, मतलब कि कोई भी कंपनी कर सकती है, कि आपका जो ये लीगल एप्लीकेशन है पेटीएम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और सबसे पुरानी एप्लीकेशन भी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, इसके बाद ये क्या करेगी कि आपका सिविल स्कोर लो कर देगी। सिविल स्कोर लो करने से क्या होगा कि आप कभी भी लोन आगे में लेना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन हो या मेडिकल लोन हो या बाकी कोई भी लोन हो, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप पूरा पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप आधा पेमेंट करके लोन को सेटलमेंट भी कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पे आपको ऑप्शन उपलब्ध रहता है। अब बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल भी पेमेंट बिल्कुल भी ज़िंदगी भर नहीं कीजिएगा, तो ज़िंदगी भर नहीं कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि आपके पेटीएम पर अगर कोई भी रुपया आता है तो वो काट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखना होगा कि अगर आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो लंबे समय के बाद इतना लो हो जाएगा कि आप कभी लोन ले नहीं पाएगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन आपके साथ इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। बाकी जो सब भी है वो सब इलीगल है, और ये इस एप्लीकेशन का उतना ज़्यादा मतलब आपको हरासमेंट या तंग करने का कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रह सकते हैं। और पेमेंट नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे वीडियो में बहुत जल्द।